सबसे पहले आप सभी भोजपुरी श्रोता बंधु गीत संगीत से जुड़े सभी प्रेमियों को मेरा नमस्कार। मैं राघविंदर सिंह फिल्म कंपनी के माध्यम से आप सबको कुछ बताना चाहता हूँ। जब हम 3 दिन कहीं गए थे फील्ड में किसी काम से और हमारे में स्टाफ भी कंपनी में नहीं थे, इसके लिए बहुत बड़ा मिस्टेक गलती हो चुकी है जो कि हमारे चैनल पे एक किसी गायक ने पवन जी का नाम रख के पवन जी के बारे में कुछ गाने गा करके अपने को हाईलाइट होने के लिए ऐसा काम किया है। लेकिन जब हमको पता लगा तो तुरंत पता होते होते दिल्ली पहुंच के सबसे पहले ने उसको मैं बंद करा दिया। ऑडियो वीडियो सब जहां जहां था तहां से करा दिया। आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमने तो शुरू से ही भोजपुरी की लड़ाई लड़ते हुए हम लोग आ रहे हैं। हमारे टीम के सभी गीतकार संगीतकार गायक जो भी रहे हम लोग भोजपुरी का झंडा ऊंचा करने में ही लगे रहे। एक समय था जब सब कंपनियां बड़ी से बड़ी सब कंपनियां गंदा गंदा गाना बनाना शुरू कर दी थी, उस समय भी हम लोग इसी की लड़ाई लड़ते रह गए। कोई कह नहीं सकता है किसी राइटर को फोन करके हमने आज तक कहा है, किसी वीडियो वाले को फोन करके कहा है कि हाँ जी आप गंदा वीडियो बनाओ। हम लोग शुरू से ही इसके खिलाफ रहे क्योंकि जानते हैं कि मार्केट में कभी भी सोना ही बिकता है, मिट्टी नहीं बिकती। आज सरस्वती माता ने इतना हम लोग को सिखाया, आज 20 साल से अपने सब गुरुओं से ये अनुभव लेकर हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कभी मार्केट में सोना ही बिकता है, मिट्टी नहीं बिकती। कुछ ना समझ लोग जिसको पता ना कहां से बुद्धि मिल जाती है, ज्ञान मिल जाती है, किसी का नाम का इस्तेमाल कर दें, किसी का कुछ का इस्तेमाल कर दें, किसी गाना चोरी कर लेंगे तो इससे हम तुरंत रातों रात स्टार बन जाएंगे। बाबू उसमें स्टार आपको कोई नहीं बना सकता। आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपके अंदर जो काम की भावना रहेगी, आपके अंदर गट्स, आपके पास गायकी जब रहेगी तभी आपको कोई भी कुछ कर सकता है, कंपनी हो कोई भी हो, अम्मा का आशीर्वाद। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ करके फिर क्षमा मांगना चाहता हूं कि ऐसी गलती अब कभी नहीं होगी। मैंने सभी स्टाफ को अपने मना कर दिया कि सब चीज पर ध्यान दिया जाए, जो कि आजकल के नए गायक लोग बहुत जल्दी चाहते हैं कि वे फटाफट हाईलाइट हो जाए, अतो जाता है सब कंपनी के ऊपर। इसलिए आगे से मैं आप लोगों से चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि ऐसा कोई गलती नहीं होगा क्योंकि हम लोग शुरू से ही इसकी लड़ाई लड़ते हुए आ रहे हैं। भोजपुरी को ऊंची गलतियों पहुंचाने के लिए हम लोगों का शुरू से प्रयास रहा है और ये प्रयास रहेगा। हम लोग जो गायक के सर पे हाथ रखे कि तो उसको यही कहे कि देखो अच्छा गायक गाना ही आपको गा के अच्छा बनना है। हमारे गीत संगीत में जो आगे लोग जा चुके हैं बुलंदी को उसके नियम को उसके उसको पालन करना है, उसको देख के चलना है। और एक बार टीम फिल्म कंपनी के माध्यम से बता देना चाहता हूं आप सभी को कि ठीक है जाने अनजाने में जो गलती हो जाती इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं जब पटना से मैं पवन जी के पापा जी के आप श्रद्धांजलि था उसी में हम गए थे और हमें पता लगा कि पवन जी के परिवार में लिख करके ऐसा कर दिया गया, बहुत दुख हुआ कि हम अपने बॉस से बताए और कंपनी के मालिक श्री संजय अग्रवाल जी से अभी बहुत कड़ी शब्दों में कड़वा शब्दों में निंदा की है सब चीजों को, क्या है बिल्कुली क्या गायक हैं लोग, कैसे आगे बढ़ेंगे ये लोग, और तुरंत हम लोगों ने मिल करके उस गाने को बंद करा दिया गया। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबको मैं नमस्कार करता हूँ और शुभकामना देता हूँ कि भोजपुरी को मान सम्मान आप लोग ही बचाएं, इसमें सबका सहयोग चाहिए क्योंकि भोजपुरी आज इतनी बड़ी बुलंदियों पर पहुंच चुकी है। आज देश नहीं विदेश में ही भोजपुरी की चर्चा हो रही है और एक फिर अच्छा समय मिला है कि भोजपुरी को हम लोग फिर अच्छा फिल्म बनाए, अच्छा गाना बनाए, इसको अच्छा लेके आगे तक जाएं। इसमें सरदार सिन्हा भरत शर्मा जैसे मृत्यु जैसे लोगों का जैसे इतना मान सम्मान बना है, पुलिस जी का मान सम्मान कायम रहे। जय हिंद जय भारत।